प्यार की राहों में प्यारा सफर, हमको भी जाए तो क्या है फिकर। ये गीत जो अभी आपने सुना ये 1962 में आई सुपरहिट फिल्म प्रोफेसर का है, जिसे रफ़ी साहब और लता जी ने गाया था। शंकर जी जयकिशन जी ने इस फिल्म के सारे गानों का म्यूज़िक कंपोज किया था। एक किस्सा इस गीत के साथ जुड़ा है जो आपको अभी हम बताएंगे। रफ़ी साहब जब इस गाने को गाने से पहले इसकी रिहर्सल्स कर रहे थे तो इसकी एक लाइन की धुन उन्हें ठीक नहीं लग रही थी और उन्होंने शंकर जी जयकिशन जी से कहा कि उन्हें इस कड़ी की धुन ठीक नहीं लग रही है और बड़ी विनम्रता से उन्होंने शंकर जी जयकिशन जी से गुजारिश की कि आप कहें तो मैं इसे इस तरह गाना चाहता हूँ। और उन्होंने शंकर जी जयकिशन जी को वो कड़ी अपने हिसाब से गाकर सुनाई। शंकर जी जयकिशन जी रफ़ी साहब की बहुत इज्जत किया करते थे और जब रफ़ी साहब ने उन्हें अपने ही अंदाज में वो लाइन गाकर सुनाई तो उन्हें भी वाकई लगा कि ये ठीक है। रफ़ी साहब को वो पूरे गाने की लाइन हाई ऑक्टेव में गानी थी, जिस तरह से शंकर जी जयकिशन जी ने तैयार की थी, लेकिन रफ़ी साहब का मशवरा ये था कि वो इसको लो ऑक्टेव से शुरू करके हाई ऑक्टेव पर ले जाएंगे। शंकर जी जयकिशन जी ने रफ़ी साहब से कहा, आप जैसा चाहते हैं वैसा रिकॉर्ड करिए। और फिर रफ़ी साहब ने इस कड़ी को अपने हिसाब से गाया और वो लाइन कुछ इस तरह से थी। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई। शंकर जी जयकिशन जी को भी रफ़ी साहब का ये तरीक़ा बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने इसी तरह से इस कड़ी को रिकॉर्ड करवाया। रफ़ी साहब सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थे बल्कि वो संगीत की गहरी समझ रखते थे, वरना म्यूज़िक कंपोज़र की धुन को एक सिंगर तब्दील कर दे ये नामुमकिन सी बात होती थी। लेकिन रफ़ी साहब की बात कुछ और ही थी और ये गाना रिकॉर्ड हुआ और अपने वक्त का बहुत मशहूर गाना रहा। जाओ जहां कहीं आँखों से दूर, दिल से न जाओगे मेरे हुजूर।